फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुसुम व्लॉग्स। और मैं आपके लिए एक नई डिज़ाइन बना के दिखा रही हूँ। ये है और बहुत अच्छी डिज़ाइन है और बारीक भी है और सीधे सीधे फंदे आप बना सकते हैं इसमें। तो दोस्तों चलिए मैं ये डिज़ाइन आपको बताती हूँ। दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक मेरा वीडियो लाइक करें। और दोस्तों इसी तरीके से आप मेरे वीडियो लाइक करते रहेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी डिज़ाइन लेकर आऊँगी। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये डिज़ाइन आपको पसंद आएगा। देखिए, अब मैंने ये एक सिलाई निकाल ली है। इसके अंदर आपको क्या करना है, एक उल्टा बनाना है। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, पहला फंदा स्लिप कर लिया और दूसरा फंदा उल्टा, फिर एक सीधा, फिर उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। इसी तरीके से हम ये सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद ये उल्टी सिलाई है। उल्टी सिलाई में भी हम जो सीधा फंदा है, पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, ये दूसरा फंदा जो उल्टा है उसे उल्टा बनाएंगे और जो सीधा है उसे सीधा बनाएंगे, जो उल्टा है उसे उल्टा बनाएंगे और जो सीधा है उसे सीधा बनाएंगे। एक उल्टा, एक सीधा, इस तरीके से हम दो सिलाइयाँ निकाल लेंगे और उसके बाद इसमें डिजाइन शुरू होगा। और ये डिज़ाइन बहुत अच्छा है, आप जेंट्स स्वेटर में डालें, ज़्यादातर जेंट्स में ही अच्छा लगेगा। और लाइट कलर में आप डालें तो इसको और भी अच्छा लगेगा। डार्क में भी आप डाल सकते हैं, लाइट में भी डाल सकते हैं। देखिए अब हमको क्या करना है, पहला फंदा हमने स्लिप किया, दूसरा फंदा हमने उल्टा बनाया। अब जो सीधा फंदा होगा उसी के ऊपर डिजाइन डलेगी। तो हमको क्या करना है, जैसे ये जो हमने सीधा फंदा बनाया था, इसका जो नीचे वाली एक पार, ये जो लाइन है, ये सीधे फंदे की जो लाइन है, उसका आधा भाग हम सिलाई से उठा लेंगे। उठाने के बाद इसको सिलाई के ऊपर ऐसे डाल देंगे और डालने के बाद हम दोनों को एक साथ, दोनों फंदे एक साथ बुन लेंगे, इस तरीके से सीधे ही बुनेंगे। और उसके बाद फिर एक फंदा उल्टा, उसके बाद फिर हम इसको उठाएंगे, यहाँ से इसको लूज करके खींचते हुए उठाएंगे और उठाने के बाद इसको फिर इस फंदे के ऊपर डालेंगे और डालने के बाद दोनों को हम घटा देंगे, फिर एक उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर हम इस यहाँ से उठाएंगे एक को, एक ये उठाया हमने और इसको ऐसे नहीं डालना है, ऐसे नहीं डालना है, ऐसे डालना है इसको आगे की तरफ से, आगे की तरफ से डाल के और उस फंदे को हम पीछे से सीधा बुन देंगे, फिर हम उल्टा बनाएंगे एक, ये उल्टा बनाया। उसके बाद फिर हम धागे को ऐसे ही उठाएंगे और इस फंदे के ऊपर डाल देंगे और डालने के बाद फिर इसको सीधा बना देंगे, फिर एक फंदा उल्टा। देखिए एक बार मैं फिर उठा रही हूँ, देखिए ये फंदा है, ये हमारा सीधा फंदा है, तो इसके नीचे से जो है ये एक लाइन, ये है, ये इसको उठाना है, इसको भी नहीं उठाना है आपको, इसको इसको उठाना है। इसको उठाने के बाद देखिए मैंने ये उठाया है, ये उठाने के बाद इसको थोड़ा खींच लिया है और खींचने के बाद इसको फंदे को ऐसे डालेंगे इसके ऊपर से और फिर ये दोनों फंदे एक साथ हम घटा देंगे, फिर एक उल्टा और उसके बाद फिर हम डिजाइन डालेंगे ऐसे करके। इसको उठाया फंदे को और इसके ऊपर डाला और इसको हम दोनों फंदे एक साथ घटा देंगे और लास्ट वाला फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। अब उल्टी सिलाई में, उल्टी सिलाई में हम पहला फंदा स्लिप करेंगे और जो जैसे फंदे हैं वैसे ही बनाएंगे। जो सीधा फंदा है, ये डिजाइन वाला उल्टा है, तो इसको उल्टा बनाएंगे और जो उधर हमारा उल्टा था वो सीधा बनाएंगे। ऐसे ही हम एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा और डिजाइन हमेशा सीधी तरफ ही पड़ेगा। तो दोस्तों आप इस डिजाइन को अपने प्रोजेक्ट में डालिएगा और डालने के बाद कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं इसी तरीके से आपको और भी छोटे छोटे डिजाइन बताती रहूँगी क्योंकि ये छोटे छोटे डिजाइन बहुत अच्छे लगते हैं, जेट स्वेटर में बहुत अच्छे लगते हैं। ये दूसरी लाइन है, हर सिलाई में इसी तरीके से रिपीट होगा। हमने पहला फंदा स्लिप किया और दूसरा फंदा हमने उल्टा बनाया। अब हम क्या करेंगे, देखिए फिर हम इसको उठाएंगे यहीं से, ये उठाएंगे,
उठाया, ये उठाने के बाद इसके ऊपर डाला और डालने के बाद इसको कर दिया, सीधा बुन दिया। अब देखिए एक उल्टा उल्टा बनाया, उसके बाद फिर हमने इस फंदे को यहाँ से उठाया। यहाँ से उठाने के बाद इस सिलाई के ऊपर हम इसको इस तरीके से डाल लेंगे। डालने के बाद फिर इसको दोनों फंदों को एक साथ लेके और सीधा बुन देंगे हम, फिर उल्टा। ऐसे ही हम यहाँ से उठाएंगे, इसके ऊपर डालेंगे और दोनों फंदों को एक साथ बुन देंगे। और इसमें कोई ऊन ज़्यादा नहीं लगती है और ऊन उतनी ही लगती है और ज़्यादा फैलता भी नहीं है। आप अपने प्रोजेक्ट में जितने भी फंदे डालें उतने ही डालें, ये ज़्यादा फैलने वाला डिज़ाइन नहीं है और ये सादा है, सादा और सिंपल। देखिए मैं इस तरीके से उठा रही हूँ, इसके ऊपर डाल के इसको घटा रही हूँ। देखिए एक उल्टा और उसके बाद फिर मैंने ये किनारे पे से उठाया फंदा, इसके ऊपर डाला और इसको घटा दिया। दोनों फंदे एक साथ घटा दिए और ये लास्ट वाला फंदा सीधा। इस तरीके से ये डिजाइन हमारी बनती चली जाएगी, एक ही फंदे पर डिजाइन बनेगा ये। देखिए ये डिजाइन मैंने बनाया है इस तरीके से, ये इस तरीके से बनता हुआ चला जाएगा। और ये मैंने इसमें हरे कलर में बना के रखा है, देखिए। अगर आप इधर भी अगर पूरी सिलाई उल्टी उल्टी निकालना चाहते हैं तो आप उल्टी उल्टी निकाल सकते हैं, और अगर ये इधर को सीधा रखना चाहते हैं तो इधर सीधा रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, मगर डिजाइन सीधी तरफ ही चलेगा। इसमें डाला है ये इस तरीके से, ये उल्टी तरफ देखिए, मैंने उल्टी तरफ क्या किया है, ये जो इस साइड में उल्टे थे फंदे मैंने इस तरफ भी सीधे किए हैं, और कुछ सिलाइयाँ मैंने फिर पूरे पूरे में उल्टे करके देखा है तो ये इस तरीके से डिजाइन आया है, ऊपर वाला इस तरीके से आया है, डिजाइन वही है, सिर्फ ये है। तो आप कैसे भी करके डाल सकते हैं इसको, देखिए ये है, ये मैंने ये जो ऊपर है ये दोनों तरफ इधर भी उल्टा कर दिया है, पूरे सारे फंदे उधर उल्टे कर दिए हैं और नीचे वाले में इधर सीधे फंदे कर दिए हैं। तो इस तरीके से ये डिजाइन दो तरह से बन के आता है, तो आप इसको कैसे भी बना सकते हैं, किसी भी तरीके से आप बनाएं और स्वेटर में डालें, ये बहुत अच्छा लगता है। कड़ी कड़ी सी लगती है, ऐसा लगता है कि मोटी मोटी कड़ी है इस तरीके से। तो आपने मेरा वीडियो देखा, उसके लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।